हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आज के सेशन में। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का आज सेकेंड पार्ट है। एज यूजुअल पहले थोड़ी सी थ्योरी करेंगे, यानी कि किंगडम मोनेरा से रिलेटेड आज पोर्शन को कंप्लीट करते हैं और फिर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। तो स्वागत है आप सभी का जो बच्चे इस वक्त सेशन में आए हुए हैं, वेलकम है बच्चों। चलिए शुरू कर दिया जाए सेशन को। तो सबसे पहले आपको पता है कि नहीं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें कई किंगडम्स का पूरा डिटेल दिया हुआ है, जैसे कि किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई। इन तीनों के तीनों किंगडम को आप अपने सिलेबस में एक ही चैप्टर में पढ़ते हैं, वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। तानिया आ चुके हैं, हर्षित, शीर्षो, अनूप ने ज्वाइन कर लिया है, टेक्नोलॉजी जिम्स, थैंक यू बच्चे फॉर कमिंग टू द सेशन। और एक बात और बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों से भी करवाना है सब्सक्राइब, क्योंकि जितने ज्यादा होंगे चैनल पर सब्सक्राइबर, उतनी ज्यादा एनर्जी हमें मिलेगी पढ़ाने में, सीधी सी बात है। तो ये कार्य आप जरूर करें। हकीकत दुनिया, हर्षित, शीर्षो, हेलो, गुड इवनिंग हर्षित, तानिया, अनूप, ये बच्चे आ चुके हैं सेशन में। इसके अलावा भी काफी बच्चे दिख रहे हैं सेशन में। मोहम्मद इजमाम ने ज्वाइन कर लिया है, क्या बात है, स्वागत है बच्चे। चलिए शुरू कर दिया जाए। तो फॉर ऑल दो स्टूडेंट जिन्होंने आज पहली बार ज्वाइन किया, मेरा नाम है प्रदीप सिंह और ये रहे सब क्रेडेंशियल्स। ऑल आर सेकेंडरी, आई एम अ बायोलॉजी एजुकेटर एंड आई एम इन अ मिशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया थ्रू एजुकेशन, और वो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। नाउ बच्चों, शुरू करने से पहले प्लस और आइकॉनिक, ये दो तरह के सब्सक्रिप्शन जहां पर आपको डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं, लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्सेज, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग इंग्लिश एंड हिंदी में, ठीक है ना, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। आप सारे के सारे फीचर्स के बारे में जानते हैं, ये देख लीजिए सारे के सारे एक एक करके आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं डिफरेंट सब्सक्रिप्शंस के बारे में, जरूरी है पता होना चाहिए आपको, है बात कि नहीं। सो नाउ बच्चों, ये देखिए प्लस और आइकॉनिक दो तरह के सब्सक्रिप्शन, यहां पर डिफरेंट ड्यूरेशन के सब्सक्रिप्शन आप अपनी जरूरत के हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है ना, और यूज करिए कोड प्रदीप लाइव। हाँ, ध्यान एक चीज का रखना है कि जो जितने ज्यादा लंबे ड्यूरेशन का उतना कॉस्ट इफेक्टिव, जैसे कि मसलन मान लीजिए ये 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन 34,650 और आइकॉनिक पर 12 मंथ का पड़ता है 58,500, तो इतना ही डिफरेंस है, लेकिन फीचर्स काफी ज्यादा हैं आइकॉनिक में, आप जानते हैं इसके बारे में। चलिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को स्टार्ट कर देते हैं। हेलो 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 बच्चों, ठीक है ना। चलिए सारे बच्चे आ चुके हैं, स्वागत है आप सभी का। नाउ किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा बड़ा ही महत्वपूर्ण किंगडम है, ठीक है ना। सो किंगडम ए मोनेरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें मोनेरा में जो जीव रहते हैं, मतलब इसमें जो पाए जाते हैं इस किंगडम में, रहते क्या मतलब इस किंगडम को बिलोंग करते हैं, वो सब के सब प्रोकैरियोट हैं। यानी कि मोनेरा में आपको एक भी यूकैरियोट देखने को नहीं मिलेगा। क्वेश्चंस भी करेंगे, पहले थोड़ी देर थ्योरी है, थोड़ी सी थ्योरी है वो कर लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन से स्टार्ट कर देंगे। देखिए इसके बारे में कुछ जो अहम जानकारी है, वैसे तो मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, लेकिन अब चूंकि मतलब प्रैक्टिस सेशन है, एक तरह से क्रैश कोर्स है, यानी कि बीट द नीट है, तो थोड़ा सा क्विक प्रोसेस में चलेंगे, ठीक है ना। तो मोनेरा कैसे होते हैं, मोनेरा आर सिंगल और सॉलिटरी, यानी कि इसमें जितने भी मेंबर्स हैं सारे के सारे हैं यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर, ऑल आर यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर के साथ साथ ये जितने भी हैं सारे के सारे हैं प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स, ठीक है ना। तो यूनिसेल्यूलर हैं, प्रोकैरियोट्स हैं। इनको सबसे पहले अर्नस्ट हीकल ने 1866 में मोनेरा किंगडम को मतलब दिया गया, क्यों, इसके पहले क्या था, इसके पहले था टू किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या था टू किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन में बात, और थ्री किंगडम भी था, तो हुआ यह कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन खाली प्लांट और एनिमल्स, फिर उसके बाद प्रोटिस्टा इंक्लूड हुआ, फिर मोनेरा इंक्लूड हुआ,
तो मोनेरा इंक्लूड किया जाना अपने आप में बहुत अहम था बच्चों, ठीक है ना। मोनेरास का मतलब है कि भाई जो प्रोकैरियोटिक हैं, यूनिसेलुलर हैं। अच्छा, इसको किंगडम का स्टेटस पे कौन, किसने लेकर क्या है, एडवर्ड चैल्टन 1925 में इन्होंने किंगडम का स्टेटस दिया, यानी कि मोनेरा आ चुका था लेकिन एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक किंगडम का दर्जा देना ये जरूरी था, है ना। अर्नस्ट हीकल ने ही, देखिए प्रोटिस्टा के बारे में जो भी डिस्कशन होता है तो कई साइंटिस्ट के बारे में हमने डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है कि अर्नस्ट हीकल थे, कार्ल वूज थे, ये सारे के सारे जो साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट विटेकर थे, इनका बड़ा भारी योगदान है, ठीक है ना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सबको स्वागत है। नाउ मोस्ट एक्सेप्टेड कौन सा है जी, रॉबर्ट विटेकर का क्लासिफिकेशन 1969 सबसे मॉडर्न माना जाता है और एक्सेप्टेड। आरके बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया बेस्ड ऑन द न्यूक्लियस के हिसाब से मोनेरा को दो पार्ट पोर्शन में ब्रेक कर दिया गया, आरके बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। अब एक चीज देखिए, न्यूक्लियस तो ट्रू किसी में भी नहीं था, तो हम ये स्पेसिफिकली सिर्फ कहें कि न्यूक्लियस की बेसिस पे तो ये सही क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन इन्होंने इस तरह से किया कि आरके बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि जो जेनेटिक मटीरियल है वो थोड़ा सा भिन्न पाया गया। भिन्न कैसे पाया गया, जैसे कि प्रोटीन को युक्त करके बाउंडेड था, जिस तरह से हमारे यूकैरियोट बाउंडेड होते हैं। क्वेश्चंस करेंगे भाई, थोड़ा सा सुन लीजिए। और फिर यू बैक्टीरिया जो नॉर्मल बैक्टीरिया है। नाउ स्ट्रक्चर क्या है भाई बैक्टीरिया का, ऑल मेंबर्स यूनिसेलुलर। न्यूक्लियस कैसा है, प्रोकैरियोटिक और न्यूक्लियोइड कहते हैं, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। ऑर्गेनल में क्या है भाई, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन है, ये इनकी विशेष विशेष संरचनाएं हैं किंगडम मोनेरा के, कैरेक्टरिस्टिक। न्यूट्रिशन क्या है, फोटो ऑटोट्रॉफिक, कीमो ऑटोट्रॉफिक, पैरासिटिक और सेप्रोट्रॉफिक भी है। रिप्रोडक्शन कैसा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिशन, बडिंग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है, नो गैमीट, जेनेटिक मटीरियल इज एक्सचेंज्ड, सिर्फ जेनेटिक मटीरियल का एक्सचेंज होता है, कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें नहीं पाई जाती है। अब आर्के बैक्टीरिया क्या है, आर्केया आर एंशियंट, बैक्ट मतलब रॉड, बैक्ट मतलब रॉड मतलब एंशियंट रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स, दे आर फाउंड इन डिफरेंट हैबिटेट। ये देख लीजिए, सुंदर सुंदर चित्र भी आपके लिए लेकर के आया हूं कि एक बार देख लीजिए। इसमें जो भी आप देख रहे हैं ये पॉइंट्स जरा शॉर्टकट में ही है, ठीक है ना। अब देखो भाई, हैबिटेट क्या है, एक्सट्रीमोफाइल्स, ये एक्सट्रीमोफाइल्स कहे जाते हैं। एक्सट्रीमोफाइल्स का मतलब है मोस्ट हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन, जैसे कि हॉट स्प्रिंग में देखे जाते हैं, थर्मोप्लाज्मा, सॉल्ट लेक में, सॉल्ट लेक्स में हेलोकॉक्कस, मार्शलैंड में मिथानोकॉक्कस, थर्मल वेंट में सल्फोलोबस, डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ काउज में मिथानोबैक्टीरियम, ये सारे के सारे बड़े ही इनहॉस्पिटेबल एरियाज में देखे जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक में क्या है, स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस, सेल वॉल, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, ठीक। स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल आर्के बैक्टीरिया का, नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन, लैक पेप्टिडोग्लाइकन, इनमें पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता, इथर लिंक्ड फॉस्फोलिपिड गिव स्टेबिलिटी इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, मिथानोजेन हो गए, फैकल्टेटिव एनारोब, थर्मोएसिडोफाइल्स और हेलोफाइल। नाउ बाइनरी फिशन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, बडिंग होता है, एसेक्सुअल। अच्छा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन में जीन ट्रांसक्रिप्शन सिमिलर टू यूकैरियोट, ये आर्के बैक्टीरिया का फीचर है, यूकैरियोट से सिमिलर जीन ट्रांसफॉर्मेशन है। और जीन्स में इंट्रॉन्स पाए जाते हैं, अब बताइए इंट्रॉन्स भी पाए जाते हैं, अब आप सोच लीजिए, जबकि नॉर्मल बैक्टीरिया में एक ही जैसी होती है, उसमें पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है और इंट्रॉन्स नहीं होते, इंट्रॉन्स को हटाना पड़ता है, स्प्लाइसिंग करना पड़ता है, और इंट्रॉन्स की संरचना कहां देखने को मिलती है, हमें यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है, तो ये अनोखा है। हैबिटेट कहां रहते हैं, हॉट सल्फर स्प्रिंग, डीप सी वेंट, एसिड माइन, ड्रेनेज एरियाज में पाए जाते हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स, टॉलरेट हाई टेम्परेचर, इनको क्रीनार्केरोटा के नाम से भी जाना जाता है एक क्लासिफिकेशन के हिसाब से, लेकिन चूंकि आपके एनसीईआरटी में इसका जिक्र नहीं है तो इसकी जरूरत नहीं है। ये ध्यान रखें, मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस एंड हाई एसिडिटी में पाए जाते हैं टिल pH 2, दे हैव ब्रांच्ड लिपिड चेन एंड स्पेशल एंजाइम दैट हेल्प टू सर्वाइव इन हाई टेम्परेचर एंड एसिडिक pH में रहने योग्य बनाता है इनको, ठीक है ना। कीमोसिंथेटिक में क्या है कि सल्फर ऑक्साइड्स वगैरह के ऊपर ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, देखो
सल्फर है और ये वाटर, ये देखो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सल्फ्यूरिक एसिड बना रहे हैं और इस प्रक्रिया में एनर्जी करते हैं रिलीज, उसको करते हैं यूटिलाइज। थर्मोप्लाज्मा, थर्मोप्रोटीज, थर्मोकोकस ये एग्जाम्पल है। यूकैरियोकेटा, यूकैरियोकेटा हेलोफाइल एंड मिथानोजेन कहां पाए जाते हैं? सॉल्ट लेक्स, सॉल्ट मार्शेस, सॉल्ट बेड्स, नमक की अधिकता में पाए जाते हैं। टॉलरेट हाई सॉल्ट कंटेंट, ठीक है ना, दे कैन टॉलरेट हाई सॉल्ट कंडीशन बिकॉज ऑफ स्पेशल लिपिड इन मेम्ब्रेन, और हाई इंटरनल सॉल्ट कंटेंट वैसे भी ज्यादा ही होता है। हेलोफाइल कंटेन हेलोरोडॉप्सिन विच पंप्स इन क्लोराइड इन टू द सेल एंड प्रिवेंट सेलुलर डिहाइड्रेशन। क्लोराइड अंदर जाता रहता है, एरोबिक कीमो हेटेरोट्रॉफ, ठीक है। अच्छा एक और काम करते हैं, ये कुछ कुछ पोटेशियम का भी एक्यूमुलेशन कर लेते हैं ताकि सोडियम इनको ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए। समझ में आई बात? एग्जाम्पल क्या क्या है? हेलोफेरेक्स, हेलोकोकस, हेलोबैक्टीरियम, ठीक है ना, मिथानोजेंस, मीथेन प्रोड्यूसिंग, मार्शी एरियाज में पाए जाते हैं, वाटर लॉग्ड कंडीशन मार्शी एरियाज, गाय भैंस के रूमेन में पाए जाते हैं, डीप सी सेडिमेंट में पाए जाते हैं और ये मीथेन प्रोड्यूसिंग करते हैं। एरोब्स हैं इसमें, सेलुलर रेस्पिरेशन मार्शी एरियाज में, मिथानोबैक्टीरियम, मिथानोकोकस, फॉर्मिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सारी चीजें प्रोड्यूस करते हैं। फॉर्मिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड से कन्वर्ट कर देते हैं मीथेन में, यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन फॉर फ्यूएल, ठीक है ना। सिम्बायोटिक मिथानोजेन, मिथानोबैक्टीरियम रूमिनेंट में रहते हैं, फर्मेंटेशन ऑफ सेलुलोज करते रहते हैं, सेलुलोज का फर्मेंटेशन। ये कहां है? ये हाइड्रोथर्मल एनवायरमेंट में पाए जाते हैं, ज्वालामुखी के मुहाने पर पाए जाते हैं। अभी एक सेशन लिया था मैंने ज्वालामुखी के ऊपर, देख लीजिएगा। Possesses जीन ऑफ क्रिनार क्योटा एंड यू क्योटा, ठीक है, कोरार क्योटा के नाम से ये जाने जाते हैं। ये बड़े रेयर हैं, ठीक है ना। और तो बच्चों जो वोल्केनो के ऊपर सेशन लिया था उसमें कई बच्चे पूछ रहे हैं ये नीट में आएगा, मैंने तो पहले ही बताया था नीट में नहीं आता डायरेक्ट, लेकिन अगर आप इवोल्यूशन चैप्टर उठा करके देखेंगे तो वोल्केनिक इरप्शन का जिक्र है, तो ऐसी बात नहीं है कि नहीं आता है। और वो वैसे भी वो मोटिवेशन सेशन था, वोल्केनो के बारे में तो आप जानते ही हैं, मोर ऑर लेस सबको क्यूरियोसिटी होती। दैट वाज मेनली अ व्हाट टाइप ऑफ सेशन? इट वाज अ मोटिवेशन सेशन। तो जिन बच्चों ने देखा, जिन बच्चों ने समझा, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई, और जो नहीं आए थे वो देख लेंगे बाद में, मोटिवेट होना हो तो देख लेना, नहीं मोटिवेट होना तो मत देखना, कोई दिक्कत की बात नहीं। ओके, रिकैपिचुलेशन, मोनेरा में देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, आरके बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, और ये देख लीजिए सिनार केओटा, यू कैर केओटा, कोरार केओटा, ये भी है बेसिस ऑफ हैबिटेट के हिसाब से, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जे एफ कॉन एंड आरनबर्ग ने टर्म किया बैक्टीरिया दिया। लुइस पैस्चर प्रपोज द जर्म थ्योरी, कॉल्ड द बैक्टीरिया एज जर्म, ही फाउंड पैस्चराइजेशन टेक्निक प्योर कल्चर बैक्टीरिया में। अब रॉबर्ट कॉच, कॉचेस पोस्टुलेट, बच्चों रॉबर्ट कॉच ने जो है gave the rules to prove that the bacteria are the causes of diseases. These rules are known as Koch postulate. He was awarded Nobel Prize for his work. तो Koch's postulate के लिए Robert Koch को Nobel Prize दिया गया था। कहां पाए जाते हैं यू बैक्टीरिया? वॉटर, एयर, सॉइल, अदर ऑर्गेनिज्म, सारे एनवायरमेंट में जहां जहां लाइफ है हर जगह पाए जाते हैं। मोनेरा, आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, फिर यू बैक्टीरिया को बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, रिकेट्सिया, एक्टिनोमाइसिटिस जो फंगल टाइप के होते हैं। यू बैक्टीरिया बेस्ड ऑन द शेप, कॉकस सबसे छोटे, बैसिलस, स्पिरिलम और विब्रियो, ये बेसिक चार शेप देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है ना। मोनोकॉकस सिंगल है, एक ही कॉकस है, स्ट्रेप्टोकॉकस चेन में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। डिप्लोकॉकस दो दो का सेट रहेगा, डिप्लोकॉकस यानी कि दो का सेट होता है, राइट। इसके साथ ही साथ ये देखो स्ट्रेफाइलोकोकस क्लस्टर में रहेंगे, देख रहे हो क्लस्टर्स में रहते हैं, क्लस्टर्स, ठीक है ना। स्ट्रेप्टोकोकस देख लीजिए, ये तो सारा यहां पर दिया हुआ। डिप्लोकोकस ये देखो, ये मोनोकोकस है, इस तरह से कॉकस को हम डिवाइड कर सकते हैं। रॉड शेपेड चेन ऑफ बैसिलाई भी हो सकता है, स्ट्रेप्टोबैसिलस, स्टेफाइलोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस, है ना, रॉड शेपेड इस तरह के शेप में दिखाई देते हैं। ये देखो विब्रियोज एंड स्पिरिला, ठीक है, अकर विब्रियो अकेला ही होता है, ये चेन में नहीं पाया जाता। नाउ ए ट्राइचस बिना किसी फ्लैजेला के, सुन लीजिए बस थोड़ा सा है, इसके बाद क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा है उसके बाद क्वेश्चंस हैं।
फिर ट्राइचस, ट्राइचस यानी कि फ्लैजेला, मोनोट्राइचस सिंगल फ्लैजेला, लोफोट्राइचस, एम्फीट्राइचस, पेरीट्राइचस, तो ये क्या है, टफ्ट ऑफ फ्लैजेला और चारों तरफ फ्लैजेला। एग्जाम्पल विब्रियो कॉलरी, एग्जाम्पल आगे भी है, ए ट्राइचस बैक्टीरिया विदाउट फ्लैजेला, ऑल कॉक्कस फॉर्म आर ए ट्राइचस, ये सबसे छोटे भी होते हैं, कॉक्कस सबसे छोटे होते हैं, ये ट्राइचस हो गया। देखो मोनोट्राइचस, एम्फीट्राइचस दोनों तरफ, लोफोट्राइचस एक तरफ से टफ्ट में, पेरीट्राइचस हर तरफ, एक सिफेलोट्राइचस भी देखा जाता है ना। सो नाउ मोनोट्राइचस विब्रियो कॉलेरा, लोफोट्राइचस स्पिरिलम वॉल्यूटेंस नाइट्रोसोमोनास एम्फीट्राइचस, ठीक है ना, पेरीट्राइचस एस्चेरिशिया कोलाई, पेरीट्राइचस है हर तरफ है फ्लैजेला। अब टेक्निक ऑफ ग्राम स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाई हुई है, हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने ग्राम स्टेनिंग टेक्निक दिया था 1884 में, तभी से इसका नाम है ग्राम स्टेन। ग्राम स्टेन के बाद ही है एमसीक्यूज, ग्राम स्टेन कंप्लीट करने के बाद। डॉक्टर प्रणय ठीक है, चलो ठीक है, आपकी बात मान लेता हूं, आगे से ये भी कर दूंगा, जब इतनी बात मानी है बच्चों की तो ये कौन सी बड़ी बात है। चलो तो मंडे से ये भी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना, लेकिन फिर ये मत कहना कि भाई कोई चीज छूट गई है, क्योंकि लिखने में वक्त लगता है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। हाँ चलो, चैट वैट में तो आप लोग लगे रहते हैं, अच्छी बात, लेकिन भाई देखो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से करवाइए, ठीक है ना, इस चीज का जरा विशेष ध्यान दीजिएगा, राइट। मिथिलेश, मिथिलेश हैं, टॉम हैं, प्रणय हैं, कोमल हैं, हर्षित हैं, और आपको भी पता है मैं जल्दी आप लोगों की बातों का बुरा नहीं मानता मैं, क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चे तो जो मर्जी कह सकते हैं, बच्चे दिल के सच्चे है ना। चलो, बेस्ड अपॉन ग्राम स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग के हिसाब से ग्राम पॉजिटिव है, ध्यान दीजिए, बैसिलस और क्लॉस्ट्रिडियम, क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी हो गया है ना, क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम, और ग्राम नेगेटिव में देख लीजिए स्यूडोमोनास आता है, सेल्मोनेला आता है, तो इस तरह से हमारे ग्राम स्टेनिंग के हिसाब से दो तरह के बैक्टीरिया हमें मिल जाते हैं, ठीक है ना। ये ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस एक बार क्विकली देख लेते हैं, ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस होता कैसे, भाई देखो जो मेन स्टेन है इज 1% सॉल्यूशन ऑफ क्रिस्टल वायोलेट और जेंटियन वायोलेट, एक ही बात है। दूसरा पॉइंट है द हीट ट्रीटेड बैक्टीरिया इज स्टेन्ड विथ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्रिस्टल वायोलेट फॉर 1 to 2 मिनट, इसके बाद आयोडीन सॉल्यूशन डाला जाता है, उसके बाद अल्कोहल से धुला जाता है, सारा प्रोसेस बता चुका हूं आपको डिटेल में, वीडियोस हैं वहां से देख सकते हैं, ठीक है ना। और फिर इफ द सेल रिटेन द कलर दे आर ग्राम पॉजिटिव एंड द सेल इज कलरलेस दे आर ग्राम नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर स्टेन्ड विथ काउंटर स्टेन इओसिन। ग्राम नेगेटिव कौन से हैं, पिंक वाले जो यहां पर पिंक वाले दिखाई दे रहे हैं ना, वो ग्राम नेगेटिव हैं, और ये जो वायलेट टाइप के दिख रहे हैं, डार्क ब्लू टाइप के, ये जो हैं ग्राम पॉजिटिव हैं। सो दिस इज द ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस, ठीक है। क्या कह रहे हैं आकिब ने, एक और बात कह दी, 6 से 9 की टाइमिंग करो, अच्छा मतलब जो 2022 के बच्चे उनको ना पढ़ाएं, क्या चाहते हो आप, ये जरूर कर सकते हैं कि मान लीजिए आपको क्रैश कोर्स के टाइमिंग उसी टाइम पर देखने हैं, तो आप एक दिन पहले का रिकॉर्डिंग देख लिया करो भाई। अब मैं तो अकेला ही हूं ना, क्या करें बताओ। आरकेआर एडवांस द न्यू बैक्टीरिया, नहीं शीर्षो, आरकेआर नॉट एडवांस बट दे प्रोसेस फीचर्स ऑफ यूकैरियोट, सर्टन फीचर, हिस्टोन प्रोटीन जैसे पाया जाता है उनमें, बाइंडिंग होती है हिस्टोन प्रोटीन के जैसी, तो ये कुछ अनोखे फीचर्स हैं जो पाए जाते हैं, ठीक है ना। सो डिफरेंस इन द एबिलिटी टू रिटेन कलर इज बिकॉज ऑफ डिफरेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स ऑफ टू टाइप। सो स्टेन्ड विथ पर्पल पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन डाला जाता है, जो आयोडीन कहते हैं, ठीक है ना। डी स्टेनिंग इज डन विद वॉटर एंड एल्कोहल, जो स्टेन आ गया तो ग्राम पॉजिटिव और स्टेन नहीं आया तो ग्राम नेगेटिव। आ गया जी प्रश्न, चलिए फटाफट करते हैं जरा क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा वक्त आपका मुझे वेस्ट नहीं कराना है। बैक्टीरिया दैट आर स्मॉलेस्ट इन साइज आर बैसिलाई, कॉक्काई, स्पिरिला, विब्रियो, कौन से हैं बता दो, मार्क कर दूं, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू डू दिस क्विकली, चलिए फटाफट करिए आंसर, आई नीड योर आंसर, क्या है आंसर, टाइमर नहीं लगाऊंगा मैं क्योंकि जल्दी कराऊंगा। So I don't want to make you involved with the timer. आप फटाफट आंसर करें। हर्षित, हर्षित ने कह दिया भाई दूसरा पॉइंट, कॉक्काई, एब्सोल्युटली करेक्ट,
अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि कॉक्कस बैक्टीरिया सबसे स्मॉल होते हैं। कॉक्कस स्मॉल होते हैं बच्चे, रॉड शेपेड नहीं, कॉक्काई राउंड राउंड होते हैं ना भाई। डायनामिक्स पे जाइए, जो इलोंगेटेड हो गया तो वो रॉड लाइक हो गया, जो राउंड है वही सबसे छोटा है, ठीक है ना। बताया था कॉक्काई आर द स्मॉलेस्ट, जनरली स्मॉलेस्ट इन साइज कॉक्कस ही होता है क्योंकि राउंड होता है, समझ में आई बात। राउंड होने की वजह से वो छोटे छोटे हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज एबसेंट इन बैक्टीरिया, इनमें से कौन सा पार्ट बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता, सेल वॉल, मेसोजोम, माइटोकॉन्ड्रिया, आरएनए, फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर टू विच इज एबसेंट इन बैक्टीरिया। शिवानी क्वेश्चन नंबर टू लिख करके उसका ऑप्शन लिख देना, एबीसीडी कर दो, यहां 1 2 3 4 है, आप एबीसीडी बता दो, बाकी चार के बाद तो फिर समझ में आएगा ही, ऑप्शन तो चार ही होंगे, 1 2 3 4 में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो आप लोगों के चैट पता नहीं क्यों आ नहीं रहा, आने लगा। हाँ जी अभी चल रहा है, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो हकीकत दुनिया ने करेक्ट आंसर दे दिया, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है बैक्टीरिया में। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम, माइटोकॉन्ड्रिया खुद एक बैक्टीरिया जैसा ही संयंत्र है। आगे बढ़ते हैं, बैक्टीरियल सेल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पिछले साल नहीं प्रीवियस ईयर्स में आ चुका। बैक्टीरियल सेल वॉल डिवाइड एवरी मिनट, हर मिनट में बैक्टीरियल सेल डिवाइड करता, एक घंटे में पूरा कप भर लेता है, ये कप है, एक घंटे में ये पूरा भर लेगा। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू फिल हाफ कप, हाफ कप भरने में कितना वक्त लगेगा, 59 30 39 20, बताइए कितने मिनट में आधा कप भरेगा। देखो ब्रतो, देख लो प्रश्न देख लो। सो अ बैक्टीरिया सेल डिवाइड एवरी मिनट, हर मिनट में एक बार डिवाइड कर जाता है। वैसे ये हाइपोथेटिकल है, कोई भी बैक्टीरिया हर मिनट में नहीं डिवाइड करता है। इकोलाई 20 मिनट के करीब करीब उसका डिवीजन टाइम है थर्ड का, ठीक है। शीर्षों ने दे दिया है आंसर, शीर्षों के अलावा और भी बच्चों ने दे दिया, हर्षवर्धन कह रहे हैं, बच्चे कोई भी ले लो, 20 लास्ट 30 ईयर्स की बुक ले लो। प्रतीक ने 30 मिनट बताया है, अरे भाई देखो बच्चे देखो, पहले तो आपको आंसर बता दूं, आंसर है 59 मिनट। क्यों है, देखिए एक घंटा यानी कि 60 मिनट में ये पूरा कप भर लेता है, 60 मिनट में देखिए भर गया पूरा कप, बैक्टीरिया 60 मिनट में, और कितने मिनट में डिवाइड करता है, एक मिनट में। तो ये देखो, जब 59 मिनट में आधा कप था, अब डिवाइड करेगा ना डबल हो जाएगा, जब भी डिवाइड करेगा तो डबल ही होगा ना, एक मिनट में डबल हो गया, ये है लॉजिक। तो एक मिनट में ये डबल हो जाएगा, 59 मिनट में आधा और 60वें मिनट में पूरा हो गया। सो हाउ मच टाइम इज 59 मिनट, दैट इज द राइट आंसर। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन बैक्टीरिया इज, बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल कौन सा, बैक्टीरिया पूछ रहा हूं, आरके बैक्टीरिया नहीं पूछ रहा, आरके भी नहीं पूछ रहा, तो देख करके आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर दीजिए, टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन बैक्टीरिया। शाहिद स्वागत है आपका, वेलकम, आंसर दीजिए, प्रश्न नंबर 4 का आंसर दीजिए। रितेश ने करेक्ट आंसर दे दिया भाई, वेरी गुड, कोई बात नहीं, हैप्पी, इट्स ऑल राइट, नो इश्यूज। चलिए इस प्रश्न का आंसर दीजिए भाई, इतना टाइम क्यों लग रहा है आपको। 4 का C, आंचल ने सबसे पहले आंसर किया 4 का C, देखते क्या है, डीएनए नॉट बाउंड टू प्रोटीन, बिल्कुल सही, डीएनए नॉट बाउंड टू प्रोटीन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन सा है इसमें से, ग्राम नेगेटिव बताइए। 5th क्वेश्चन, अभी दिखाए थे सारे एग्जाम्पल, ग्राम नेगेटिव आप ऑड वन आउट करके कर सकते हैं, ग्राम नेगेटिव कौन सा है, 5th आ चुका है प्रश्न, अभी 4 पे पड़े हो शीर्षो, क्वेश्चन नंबर 5 में हम ड्वेल कर रहे हैं, सो वी आर डीलिंग विद क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। शिवानी 5 का आंसर कीजिए, 5 5 5
आंचल ने कहा है 5 का बी, बिल्कुल सही बात है आंचल, वेरी गुड वेरी गुड। तो काफी सोच विचार के आपने आंसर दिया, वेरी गुड। नाउ मेनी बैक्टीरिया पॉसेसेस हेयरी अपेंडेजेस ऑन देयर सेल वॉल, दे आर हेयरी अपेंडेजेस, हेयर जैसा, बालों जैसा कुछ कुछ होता है उनके पास, क्या है वो हेयरी अपेंडेज, क्या ई कोलाई इज ग्राम नेगेटिव, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो इस प्रश्न को देखिए, आंसर करिए फटाफट। हो गया आंसर, लेट मी हैव अ लुक कौन से बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया। अभी भी कोई 6 पर नहीं आया। प्रतीक ने 6B लिखा है, प्रतीक ने लिखा है 6B, नहीं गलत, हेयर लाइक अपेंडेजेस। कोई तो सही बता दो, ABCD कर दो, कोई तो सही बता दो। हेयरी अपेंडेजेस, हेयरी हेयरी अपेंडेजेस, हेयरी हेयरी खूब सारे बालों जैसे लंबे लंबे, कोई तो बता दो। अरे भाई फ्लैजेला तो मोटाइल होता है, हेयर जैसा कैसे हुआ, हेयर का मूवमेंट होता है क्या। हेलो गौरव, अंशु ने सबसे सही बता दिया 4th, बिल्कुल सही बात है। फिम्ब्री बच्चे, फिम्ब्री फिम्ब्री हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हेयर लाइक आउटग्रोथ, थिन थिन होता है फिम्ब्री। फ्लैजेला तो मूव करने वाला स्ट्रक्चर है, फिम्ब्री खूब होते हैं, फिम्ब्री के सहारे सबस्ट्रेटम के साथ अटैचमेंट करता है। मान लीजिए किसी नदी में बहा चला जा रहा है तो नीचे जुड़ने के लिए वो क्या करेगा, फिम्ब्री यूज करता है, सिलिया नहीं होता, ठीक है ना। फ्लैजेला भी, फ्लैजेला होते जरूर हैं, लेकिन फिम्ब्री इज द मोर हेयरी अपेंडेज, क्योंकि हेयरी हेयर मूव करता है क्या, तो जब फिम्ब्री है तो आप फ्लैजेला नहीं कह सकते, फिम्ब्री इज देयर नहीं होता तो फ्लैजेला। कंडीशन ऑफ लिविंग अ सिंगल फ्लैजेलम एट वन एंड ऑफ अ बैक्टीरियम, लिविंग विथ अ, लिविंग विथ अ, यहां पर विथ लगा दो, विथ, लिविंग विथ अ सिंगल फ्लैजेलम एट वन एंड ऑफ अ बैक्टीरियम इज पेरिट्राइचस, एम्फीट्राइचस, लोफोट्राइचस, मोनोट्राइचस, विच इज द करेक्ट आंसर। सिरसो कह रहे हैं ओ सिलिया क्या है, सिलिया नहीं पता, पैरामीशियम में होता है, बैक्टीरिया में लगा रहे हो सिलिया है, पैरामीशियम में होता है सिलिया, मैंने पिलाई थोड़ी का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बता दो बच्चों, बता दो फटाफट क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। इतना क्या सोचते विचारते हो, प्रश्न दिखते आंसर नहीं समझ में आता क्या। 7 का 4, वेरी गुड, मोनोट्राइचस, एब्सोल्युटली करेक्ट। अगला प्रश्न, विच वन अकर्स इन सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ओनली, इनमें से कौन सी चीज खाली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में होती है। जब मैंने डिटेल में पढ़ाया था तो बताया था आप लोगों को, बताया था कि नहीं बताया था भाई, ग्राम पॉजिटिव के सेल वॉल में कौन सी चीज देखने को मिलती है। 7 तो हो गया, 8वां बता दीजिए, 8th का भी तो उपाय बताइए। सिर्सो गुड, इमाम इनामुल हुसैन, देवोब्रतो स्वागत है बच्चे आप सभी का, वेरी गुड। 2022 वालों के लिए ही है, 2022 वालों के लिए है, 21 वालों के लिए भी है तो क्रैश कोर्स कोई भी कर सकता है, मना तो है नहीं। आंचल ने सबसे पहले कह दिया 8 का C, टीचोइक एसिड, बिल्कुल सही जवाब है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ही पाया जाता है टीचोइक एसिड, टीचोइक एसिड ओनली इन द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इनर वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज फॉर्म्ड ऑफ लिपोप्रोटीन, म्यूकोपेप्टाइड, क्रोमोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का करें आंसर, 8 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है, 9 का करें आंसर जरा फटाफट। और देखा था आप लोगों ने वॉल्केनो वाला सेशन, अनोखा सेशन था ना, वॉल्केनो के ऊपर सेशन लिया था मैंने आप सबके लिए, और उस ज्वालामुखी को जो समझ गया वो समझ लीजिए अब तो कोई रोक ही नहीं सकता आपको, आपको कोई रोक ही नहीं सकता अगर आपने अपने अंदर के ज्वालामुखी को समझ लिया। आयशा कह रहे हैं सर आप थ्योरी अच्छे से समझाते तो हम अच्छे से आंसर दे पाते। अरे बच्चे थ्योरी तो बहुत जगह चल रही है, नहीं पढ़ते हो क्या, मतलब थ्योरी पहले कराए, जब थ्योरी कराता हूं
तो बच्चे कहते हैं सर एमसीक्यू कराओ। तो बच्चों देखिए ये होता क्या है ना, इस टाइम पर आप लोग परेशान मत होइए, जो हो रहा है उसको भी करें, उसका रीजन है। जिस क्वेश्चन को आप एक बार कर लेंगे दोबारा गलती नहीं करेंगे उस क्वेश्चन, क्वेश्चन ही बार बार प्रैक्टिस करने, क्योंकि माइंड में रहते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन इज द राइट आंसर हियर। बैक्टीरिया हैविंग अ कॉमा लाइक सिंगल कर्व इन देयर बॉडी, कॉमा लाइक बैक्टीरिया कौन सा है अब बताओ इसमें। ये बड़े बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, दीज आर नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन एट ऑल। आप बात को समझें, ये ना समझें कि मैं कुछ ऐसे अनोखे प्रश्न करा रहा हूं, ये बड़े बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको आने ही चाहिए। चलिए इसको करिए। बैक्टीरिया हैविंग कॉमा लाइक सिंगल कर्व इन देयर बॉडी आर बैसिलाई कॉकाई विब्रियो स्पिरिला। कैसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें एक कर्व जैसा स्ट्रक्चर होता है। बच्चे कल है स्पेशल क्लास, मेरी प्रोफाइल में जाके चेक कर लो, इतनी बात आपको पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। मेरी प्रोफाइल में जाइए और आप चेक कर लीजिए, जो भी आगे की पूरे महीने के सेशंस बना रखे हैं मैंने। तो बैक्टीरिया हैविंग कॉमा लाइक विब्रियो, ये कॉमा लाइक है। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटीरियल विद द हेल्प ऑफ वायरस, ट्रांसफरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसडक्शन ट्रांसक्रिप्शन, वायरस के थ्रू जेनेटिक मटीरियल के ट्रांसफर को क्या कहते हैं। वायरस के थ्रू है भाई जेनेटिक मटीरियल का ट्रांसफर, अगर वायरस के थ्रू हो रहा है तो क्या कहते हैं, है ना। अनोखा प्रश्न है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, आपको यह पता होना चाहिए। वेरी गुड, 11 नंबर। सो ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटीरियल विद द हेल्प ऑफ वायरस इज कॉल्ड, 11 नंबर ढूंढ रहे हो आंसर अभी भी। ठीक है आयशा, वी विल डू, करेंगे बच्चे करेंगे। डोंट वरी, वी विल डू। क्योंकि बच्चों अगर आप 2022 वाले हैं ना स्टूडेंट, तो कोई दिक्कत ही नहीं, 2022 के पहले तो डिटेल कोर्स स्टार्ट ही कर दिया है। अगर आप 21 के स्टूडेंट हैं तो बच्चे प्रैक्टिस अब क्वेश्चन का करना है, बहुत जल्द आप लोगों का नीट का डेट आने वाला है। बच्चों सोचिए कैसी अनोखी बात है, ये कोरोना की वजह से दिसंबर में फॉर्म आ जाते थे, अभी तक फॉर्म क्या, अभी तक डेट का ही नहीं पता है। फॉर्म की तो बात रहने दीजिए, डेट ही नहीं पता। बच्चों ट्रांसडक्शन वायरस के थ्रू जाना ट्रांसडक्शन कहलाता है, और मैक्सिमम बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड। आयरन बैक्टीरिया कौन सा है, बेजिया टोआ जियोबैसिलस थायोबैसिलस नन ऑफ द अबव। आयरन बैक्टीरिया बड़ा कॉमन है, नाम याद रखना है। आयरन बैक्टीरियम कौन सा है जल्दी बताओ भाई, कौन सा आयरन बैक्टीरिया है। केशव शीर्षो अंशु हर्षित गलत दिया आपने आंसर, अंशु मौर्य सही है, हर्षित का आंसर गलत है, इलेवेंथ वाला है ना, आकिब का सही है। ट्रांसडक्शन एन टाइगर ने भी कह दिया है, बहुत बढ़िया, करेक्ट करेक्ट हर्षित, कोई बात नहीं, ऐसा ऐसे आंसू बहाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे आंसू बहाने की आवश्यकता है नहीं। वैसे आयरन बैक्टीरिया 12.3 कौन सा है, थायोबैसिलस, यस 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 थायोबैसिलस है। शीर्षो समीर ने सबसे पहले आंसर किया, समीर आकिब ने भी तीन लिखा तो है लेकिन पता नहीं किस प्रश्न के लिए लिखा नहीं पता तो जान लीजिए थायोबैसिलस, ठीक है ये पढ़िए, मैं नहीं बताऊंगा, पढ़ो करो, डू दिस, अपने आप पढ़ें, कुछ सेल्फ सर्विस भी होती कि नहीं होती, अपने आप रीड करो क्वेश्चन को और आंसर दो, फिर मैं बताऊंगा। स्वयं पढ़ें और स्वयं किसी नतीजे पर आए, ठीक है। सो अ बैक्टीरियम विच इज कैपेबल ऑफ विथस्टैंडिंग एक्सट्रीम हीट ड्राइनेस एंड टॉक्सिक केमिकल, ऐसा कैसे है भाई, ऐसा कौन सा बैक्टीरिया हो गया जो एक्सट्रीम हीट भी बर्दाश्त कर ले, ड्राइनेस भी बर्दाश्त कर ले। अरे बच्चे सल्फर आयरन वो एक ही टाइप के होते हैं, समझ में आई बात, आयरन बैक्टीरिया फेरो भी होता है, फेरो के नाम से भी होता है, लेकिन थायो वाला भी आयरन के कंडीशन में, जब चार ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें फेरो बैसिलस है नहीं तो क्या करोगे, समझ में आई बात। हॉट सल्फर स्प्रिंग के आसपास वो रह लेते हैं, सो दिस इज व्हाट, ये आ चुके हैं पिछले क्वेश्चन है।
सो नाउ बैक्टीरिया कैपेबल ऑफ विथस्टैंडिंग एक्सट्रीम हीट ड्राइनेस टॉक्सिक केमिकल, इसका मतलब है कि एंडोस्पोर बनाते हैं, एंडोस्पोर बना लेता है ये बैक्टीरिया, है ना, एंडोस्पोर बना लेता है, इसीलिए बच जाता है, इसीलिए इसके अंदर ये अनोखा इंतजाम देखने को मिल जाता है। साइनोफाइसी और ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन क्या, ब्लू ग्रीन एल्गे, ब्लू ग्रीन एल्गे पॉसेस डेफिनेट न्यूक्लियस बट नो प्लास्टिड, डेफिनेट प्लास्टिड बट नो डेफिनेट न्यूक्लियस, डेफिनेट न्यूक्लियस एंड प्लास्टिड, नीदर डेफिनेट न्यूक्लियस नॉर डेफिनेट प्लास्टिड। साइनोफाइसी या ब्लू ग्रीन एल्गे, इनमें क्या होता है, व्हाट डू दे पॉसेस, ये बताना है आपको, है ना। देखो बड़ा सिंपल प्रश्न है लेकिन आपका सर चकरा जाएगा, क्यों चकरा जाएगा, क्योंकि भाई बैक्टीरिया साइनोफाइसी या ब्लू ग्रीन एल्गे है तो मोनेरा ही, और मोनेरा है तो प्लास्टिड, ए नहीं होगा 13 का, क्यों भाई ए क्यों होगा, थिक पेप्टिडोग्लाइकन से सब कुछ झेल लेगा, है एक्सट्रीम हीट ड्राइनेस टॉक्सिक केमिकल सब कुछ झेल लेगा, खाली पेप्टिडोग्लाइकन से, तब तो बैक्टीरिया तो अमर हो जाए, फिर तो कोई मार ही नहीं सकता। इसका आंसर दो बच्चे फटाफट, 14 का बी कौन लिख रहा है, नहीं डेफिनेट प्लास्टिड बट नो, अरे बच्चे साइनोफाइसी ब्लू ग्रीन एल्गे में सुना है कहीं प्लास्टिड, नीदर डेफिनिट न्यूक्लियस नॉर डेफिनिट प्लास्टिड, कोई डेफिनिट प्लास्टिड नहीं है इनके अंदर, ये ब्लू ग्रीन है मतलब ये इनका न्यूक्लियस वैसा होता है, ये पेड़ों से मिलते जुलते हैं काफी ज्यादा, जो हमारे क्लोरोफाइसी के मेंबर हैं तो साइनोफाइसी क्लोरोफाइसी से काफी हद तक मिलते जुलते हैं। क्लियर है कि नहीं सबको, सबको क्लियर हुआ कि नहीं, तो डेफिनिट न्यूक्लियस भी नहीं है और प्लास्टिड भी नहीं है डेफिनिट, इनके पास प्लास्टिड भी डेफिनिट नहीं है, ठीक है ना। चलो विच इज नॉट अ मेथड ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया, यहां पर दिया गया कौन सा मेथड बैक्टीरिया में किसी तरह का जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं कराता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया, विच इज नॉट अ मेथड ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया, कौन सा नहीं है बताइए फटाफट बताइए। अभी तो डिफिकल्ट क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, अभी बहुत सिंपल प्रश्न चल रहे हैं, मैं तो चाह रहा था कि आप लोगों की पहले थोड़ी प्रैक्टिस करा दूं फिर उसके बाद और हायर क्वेश्चन करेंगे। सो बट ये जो बीट द नीट क्रैश कोर्स है बच्चे, दिस क्रैश कोर्स विल गाइड यू थ्रू द इंटायर प्रोसेस, आप थ्योरी के चक्कर में अभी ना पढ़िए यहां पर एटलीस्ट, क्योंकि आप उधर भी कर रहे हैं ना, क्या क्या नाम है, अनअकैडमी नीट चैनल पर भी थ्योरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ना कर रहे हो तो बात अलग है कि भाई चलो कहीं कर नहीं रहे तो आप करा दो, वहां पर भी तो चल रहा है ना मंथन, और यहां क्वेश्चन चल रहे हैं तो क्वेश्चन भी तो करिए, या कहो तो यहां सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन कराएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, हमने थ्योरी और क्वेश्चन दोनों मिला करके करने का सोचा। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ट्रांसलेशन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसडक्शन कॉन्जुगेशन होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज परफॉर्म्ड बाई, नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन परफॉर्म करता है, ब्लू ग्रीन, ग्रीन एल्गे एंड फंजाई, ferns and cycad, legumes and cereals, blue green algae and bacteria, कौन करता है, nitrogen fixation is performed by, कौन करता है nitrogen fixation, यहां पर दिए गए ऑप्शन में से nitrogen fixation का प्रारूप किसके पास है, कौन कर सकता है nitrogen fixation, ये बताइए, blue green algae, fungi, बच्चों देखो आंसर आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर नहीं डाला आपने, ध्रुव आंसर डालो, आंसर आंसर आंसर, क्वेश्चन नंबर डालिए आंसर में, ट्रांसलेशन, हाँ जी 16 ठीक है, 15 ठीक है, 16 में ब्लू ग्रीन एल्गे एंड बैक्टीरिया, बिल्कुल सही बात है, ब्लू ग्रीन एल्गे और बैक्टीरिया ही नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। 17 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑल बैक्टीरिया हेटरोट्रॉफिक, बैक्टीरिया आर नीदर हेटरोट्रॉफिक नॉर कीमो ऑटोट्रॉफिक, बैक्टीरिया आर नीदर फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक, बैक्टीरिया कैन ऑल्सो बी फोटो ऑटोट्रॉफिक, इस क्वेश्चन को देखिए और आंसर कीजिए, इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखें और फिर आंसर करें, फटाफट देखिए क्वेश्चन को, सब स्टेटमेंट देखने के बाद क्या पता चला, कन्हाई स्वागत है, सब स्टेटमेंट देखने के बाद क्या पता चला,
देखो बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉफिक, सारे हेटरोट्रॉफिक नहीं है, बैक्टीरिया आर इधर हेटरोट्रॉफिक या कीमो ऑटोट्रॉफ, नहीं फोटो ऑटोट्रॉफ भी है, बैक्टीरिया आर इधर फोटो ऑटोट्रॉफ और कीमो ऑटोट्रॉफ, ये भी गलत है, बैक्टीरिया कैन ऑल्सो भी फोटो ऑटोट्रॉफिक, ये सर्वसम्मति से सही आंसर है, बस इतनी सी बात है। अगला प्रश्न 18, बॉटुलिज्म कॉज्ड बाय क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम इफेक्ट, ये जो क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम जो फूड पॉइजनिंग वाला होता है वो क्या इफेक्ट करता है, स्प्लीन इंटेस्टाइन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या लिम्फ ग्लैंड, क्या इफेक्ट करता है, व्हाट डज इट इफेक्ट, ये बताना है आपने, क्या करता है इफेक्ट, ठीक है। बॉटुलिज्म कॉज्ड बाय क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम क्या इफेक्ट करता है, 18वें प्रश्न का आंसर दीजिए बच्चा लोग, सारे बच्चे 18वें प्रश्न का आंसर दें, ठीक है। डॉक्टर प्रणय का यह सुझाव उम्दा है, एक दिन थ्योरी एक दिन क्वेश्चन, ठीक है, तो उसका थंबनेल भी वैसे ही आप लोगों को बनवा देंगे ताकि आपको पता चल जाए कब थ्योरी होगी कब क्वेश्चन होगा। नाउ सेशन में जितने बच्चे हैं क्या आप सब इस बात से अग्री हैं कि एक दिन सिर्फ थ्योरी एक दिन सिर्फ क्वेश्चन, बताइए यस नो मे बी, अपने अपने राय व्यक्त कर दीजिए क्योंकि बच्चे कम हैं तो मैं देख पा रहा हूं। प्रणय ने तो कह दिया, प्रणय के बाद कोई और बताए। 18 में प्रणय के बाद कोई और बताए, बॉटुलिज्म जानो ना, सिरसो कह रहे हैं बॉटुलिज्म नहीं पता, फूड पॉइजनिंग बच्चे, बॉटुलिज्म फूड पॉइजनिंग का दूसरा नाम है, तो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस को इफेक्ट करता है, इंटेस्टाइन में तो गया है, फूड पॉइजनिंग तो फूड के थ्रू हुआ, पॉइजनिंग तो पूरी बॉडी में होती है और इफेक्ट कहां होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस, ठीक है। हर्षित इज अग्रींग, हकीकत दुनिया ने अग्री किया, ओके ओके ओके, मिक्स होना चाहिए, ध्रुव ने देखो मिक्स वाला कह दिया, बाकी बच्चे अग्री कर रहे हैं, तो आई थिंक ध्रुव ध्रुव अकेले हैं जो मिक्स कह रहे हैं, शीर्षो तो आपकी विश, अग्री 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 अग्री, बच्चों अब मैं तो भाई मेजॉरिटी के साथ ही जाऊंगा, ठीक है अग्री, तो ठीक है मंडे से यही शुरू हो जाएगा, मंडे से एक दिन होगी थ्योरी। अच्छा आपको जो अभी, लेकिन इस चैप्टर में नहीं, अगले चैप्टर से, ठीक है, अगला चैप्टर होगा क्लास 12th का, तो क्लास 12th वाले टॉपिक पे ऐसा ही करेंगे, ठीक, अभी लेकिन इस चैप्टर पे नहीं बोलोगे क्योंकि इसके इवेंट बने हुए हैं, मंडे को भी है ट्यूसडे को भी है, कंप्लीट कर लेने तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसके बाद आई विल डू अकॉर्डिंग टू योर विश, जैसा कि आप कह रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, दो दिन थ्योरी भी हो चुकी है, तो दो दिन और लगेंगे, उसको कंप्लीट कर देते हैं उसके बाद आगे चर्चा करेंगे, क्यों, क्योंकि आज मोनेरा के ऊपर है, अगले दिन प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, प्लांट है तो प्लांट किंगडम में करेंगे, ठीक है ना, वेरी गुड। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, नाउ विच वन डज नॉट इवॉल्व ऑक्सीजन, यहां पर कौन सा ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं करता, विच ऑफ द मेंबर डू नॉट इवॉल्व ऑक्सीजन, कल से खत्म हो जाए, नहीं हर्षित ट्यूसडे को खत्म होगा ये चैप्टर, अभी प्रोटिस्टा किंगडम बचा हुआ है, किंगडम फंजाई बचा हुआ है, उसकी थ्योरी क्वेश्चन मंडे ट्यूसडे कर लेंगे, उसके बाद वेडनेसडे से एक दिन थ्योरी एक दिन क्वेश्चन करेंगे। राम रतन, आयशा, आमिर, ठीक है सबको बढ़िया है। ब्रीदिंग कब से स्टार्ट होगा, कन्हाई ब्रीदिंग भी होगा, सब होगा, एक लाइन से होगा, आप क्यों परेशान है, मैंने आप लोगों को कहा हुआ एक वीक 11th के टॉपिक, एक वीक 12th टॉपिक, लेकिन ये चैप्टर जब तक कंप्लीट नहीं हो रहा यही मोड चलेगा, इसके बाद अगला मोड आपके लिए एप्लीकेबल, ठीक है। चलो इसका जो आंसर है बच्चे, विच वन डज नॉट इवॉल्व ऑक्सीजन, ब्लू ग्रीन एल्गे इवॉल्व करता है, ग्रीन एल्गे भी करता है, ऑटोट्रॉफिक प्लांट ये तो ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, क्योंकि वो जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजेनिक होगा, है ना, फोटोसिंथेसिस हो सकता है एनऑक्सीजेनिक, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस भी हमने पढ़ा है, रोडोस्पिरिलम टाइप के जो हैं वो सब क्या करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करते हैं हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करते हैं हाइड्रोजन के लिए इंस्टेड ऑफ वाटर, है ना, तो वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते, सो यू नो दैट। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, ज़ैंथोमोनास सिट्री इज रिलेटेड टू, ज़ैंथोमोनास सिट्री किसके साथ रिलेटेड है, डिजीज इन ज़ैंथियम यानी कि गोखरू, ज़ैंथोफाइसी अ वायरस या सिट्रस कैंकर, व्हाट इज इट रिलेटेड टू, ज़ैंथोमोनास सिट्री किस चीज से, कोई बात नहीं एक आधा गलत हो गया तो ठीक है,
ब्रीदिंग तो कर रहे हो नहीं तो जिंदा कैसे हो। नहीं बात तो सही है, इतना लॉजिक है सीडशो आपके पास, थैंक यू सो मच बच्चे। मतलब वही मैं सोच रहा था कि मैं जिंदा कैसे हूं, सांस तो ले ही रहा हूं। गुड गुड गुड, वेरी नाइस आयशा। बच्चों देखो, आप लोगों की डिमांड बिल्कुल जायज है, जायज है, बिल्कुल कोई शक नहीं है इसमें। अब आप देखो, सुबह मैंने 8 बजे क्लास ली थी ना, 8:15 से 10 क्लास ली थी, उसके बाद 1:30 से 2:30 बजे क्लास ली थी, उसके बाद 3 बजे से 4 बजे क्लास ली थी, उसके बाद 6 बजे से 7 बजे क्लास ली थी, अब 8 बजे से 9 बजे क्लास ले रहा हूं। एक सेशन अभी और है 9:15 बजे से। अब इसके बाद भी आप चाहते हैं कि सर 2 घंटे पढ़ाइए, तो एक काम करो, मेरा एक क्लोन बनवा लो, सारे कार्य हो जाएंगे। मेरा एक क्लोन बनवा लो तो आपके सारे कार्य हो जाएंगे, कोई समस्या ही नहीं रहेगी, ठीक है ना। चलो अब बताता हूं इसका आंसर। बच्चे देखो, जैंथियम यानी कि गोखरू, वो जैंथियम जो हेयर में लग जाता है, छोटा सा फ्रूट होता है जैंथियम, उसका जैंथोमोनास सिट्री से कोई लेना देना नहीं है, बैक्टीरिया है बच्चे, जैंथोफाइसी से कोई लेना देना नहीं, वायरस नहीं, सिट्रस कैंकर डिजीज है जैंथोमोनास सिट्री बैक्टीरिया, सिट्रस कैंकर नामक डिजीज करता है। समझ में आई बात, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन इतने ही हैं, पहले ही बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं अनअकैडमी इग्नाइट स्कॉलरशिप के बारे में, बता देता हूं बच्चे, कल होना है 2 बजे से 5 बजे के बीच में ये स्कॉलरशिप है, टॉप 30 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलेगा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर। पहले 3 लर्नर को 100% स्कॉलरशिप, अगले 10 को 75%, उसके बाद नेक्स्ट 50 को 50%, फिर उसके बाद बाकियों को 25%। तो टर्म्स एंड कंडीशन दिए हुए हैं, देख लीजिए। प्रयास बैच आ चुका है, अरमान बैच, लक्ष्य बैच, एस नीट बैच, इस बैच में तो मैं भी हूं, ये बैच आ चुका है, जुड़े इन बैचेस के साथ इंग्लिश में आपकी तैयारी। कंप्लीट पैकेज टू क्रैक नीट, इंडिया नंबर 1 बेस्ट नीट यूजी चैनल्स, ये सारे के सारे चैनल्स की लिस्ट। और यहां पर एक चीज तो जरूर करना है, अनलॉक नीट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, और चाहे तो सबको करिए, बाकियों को भी करिए, ऑल आर आवर चैनल्स। सो टुगेदर लेट्स क्रैक इट, एंड यू कैन फॉलो मी एंड माय सेशंस ऑन अनअकैडमी ऐप। सो ये देखिए, ये यूआरएल्स हैं, ये पूरा यूआरएल देख लीजिए, सो दिस इज माय प्रोफाइल, ठीक है ना। यू कैन यूज कोड प्रदीप लाइव फॉर ज्वाइनिंग विद प्लस सब्सक्रिप्शन। टेलीग्राम ऐप पर जुड़ने के लिए सबसे पहले टेलीग्राम को इंस्टॉल करें, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिए, और उसके बाद अनलॉक नीट चैनल टाइप करिए, जुड़ जाएंगे टेलीग्राम चैनल के साथ। इस चैनल के साथ जुड़ने से फायदे ही फायदे हैं, सब आपको वो तुरंत मिल जाते हैं ना पीडीएफ। जैसे ये सेशन कंप्लीट हो रहा है, इसका पीडीएफ मैं तुरंत आपके साथ शेयर करूंगा। अंशु थैंक यू सो मच फॉर ऑल दोज हार्ट्स, ठीक है ना। कल भी है सेशन, आपको लगता है ना संडे सर छुट्टी मना रहे हैं, नहीं कल भी सेशन है, लेता हूं मैं, क्योंकि अब जब तक नीट नहीं हो जाएगा तब तक बच्चे सेशन तो लेना ही है। थैंक यू, एंड यूज कोड प्रदीप लाइव जिनको जुड़ना हो, थैंक यू सो मच, वेलकम ईच वन ऑफ यू, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है। नेक्स्ट सेशन है आपको इसके जो हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट है उसके बारे में बताऊंगा 9 बजे।